मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज टेनिस एक ऐसी स्पोर्ट है जो बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में, बट इतनी प्रमोट नहीं होती. यू नो, हम सिर्फ क्रिकेट प्रमोट करते हैं. सो आई फील कि टेनिस बहुत ज़्यादा टैलेंट है कंट्री में, सो वी शुड प्रमोट टेनिस एज अ स्पोर्ट. एंड टेनिस प्रीमियर लीग जो है वो लास्ट सीजन से मैं एसोसिएटेड हूँ. लास्ट सीजन भी मैंने दिल्ली बिन्नीज ब्रिगेड, जो मेरी टीम है दिल्ली की, आई को ओन दैट टीम. और इस सीज़न वापस वी आर सो एक्साइटेड कि ये लीग हो रही है. दिसंबर में मैचेस शुरू होंगे एंड यू नो सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स गेट अ चांस. लास्ट टाइम तो कुछ जो बच्चे थे, दे वर लाइक ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड एंड दे हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम एवरीवेयर एंड दैट कम हेयर फॉर द टीम एंड इतने एक्साइटेड थे. वो व्हील चेयर प्लेयर्स भी थे, सो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म. बहुत एक्साइटमेंट है एक्चुअली. जस्ट काश की सिचुएशन बेटर होती और हम लोग पैंडमिक में नहीं होते, बट नेवरदलेस आई थिंक स्पोर्ट्स लोगों की स्पिरिट अप रखता है. और टेनिस प्रीमियर लीग का सीज़न 3 है ये, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं इस बार और मुकाबला अच्छा होने वाला है. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कि स्पोर्ट्स की शुरुआत हो रही है 2020 के बाद, ये बात ही बहुत एक्साइटिंग है कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, हम लोग खेलने लग रहे हैं, एंड दैट फॉर मी इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन. तो ऑक्शन है, नॉर्मली ये ऑक्शन बहुत लोगों के साथ होता है लेकिन कोविड टाइम्स में बहुत लिमिटेड है. लेकिन फ्रैंकली कहें तो बहुत मज़ा आया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे घर से बाहर निकलने की, तो मैं बड़ी खुश हो गई. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लाइक आई सेड, पिछला साल मेरा पहला साल था इनके साथ एंड माई टीम डिड रियली वेल. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये साल हम लोग बहुत अच्छा करेंगे एंड आई रियली वॉन्ट अ रियली गुड स्पॉट टू बी प्लेड. स्पेशली आफ्टर द 2020 सीज़न वेर वी ऑल बीन गोइंग थ्रू सिवियर लॉकडाउन्स एंड डीलिंग विद द कोरोना पेंडेमिक, आई एम वेरी प्राउड ऑफ कुणाल एंड मृणाल एंड द होल TPL लीग फॉर कमिंग थ्रू फॉर सीज़न 3. आई फील दैट वी स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू गेट पास्ट द कोरोना पेंडेमिक. But as the vaccines are out and as people are getting their vaccinations done, I feel that towards the end of the year, season 3 is looking really good. I am very excited for season 3 for TPL because not only are we coming back after a corona pandemic and getting back into playing sport, cricket has started again, Grand Slams have started again, football has started again. So now to have TPL and having a league coming back towards the end of the 2021 season is very exciting. Also, that being said, we've not rested. We have not just come back and created what we had in season 2, but we've enhanced it. And for TPL, in season 3, we are taking it international as well. We've got international players coming to play. You're going to see later in the auction today. We've got a few international players that are going to be auctioned off to the teams. So I'm really proud of the Tennis Premier League for not only weathering the storm of a global pandemic, but also enhancing for season 3. So I'm looking forward to it, and as we go inside and we get the auction on the way, I think you all are going to have a few exciting things in store. Kyunki I think ye bahut mazedar kaam ho raha hai aur India mein unfortunately sirf cricket ke alawa kisi aur game ko utna mahatv nahi diya jata hai. Main khud kyunki ek tennis mein pehle cricket bhi player raha hu aur ab tennis khelta hu kai saalon se, to mujhe lagta hai ki ye bahut hi important sports hai. और इस तरह की टेनिस प्रीमियर लीग को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, जिससे कि यंगस्टर्स जो हैं इस गेम को लें, इसको अपना प्रोफेशन बनाएं, जैसे हमारे यहाँ लिएंडर पेस और महेश भूपति, इन दो लोगों ने जिस तरीके से नाम कमाया है, सानिया ने कमाया है. सो मुझे लगता है कि बहुत ही नेक काम हो रहा है टेनिस प्रीमियर लीग.